औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। खबर है कि जनूबी कोरिया के लोगों की जल्दी उम्रें एक साल कम हो जाएंगी। कोरिया से खबर है, आपकी उम्र क्या है? ये एक सादा सा सवाल है जिसका जवाब वाज़े और दो टोक होना चाहिए। जनूबी कोरिया में जब बच्चा पैदा होता है तो इसे इसकी पैदाइश पर ही एक साल का तसव्वुर किया जाता है। नए साल के पहले दिन इसकी उम्र में एक साल का इजाफा हो जाता है। इसका मतलब यह है कि दिसंबर में पैदा होने वाला बच्चा सिर्फ चंद हफ्तों में दो साल का हो जाएगा। अमूमन नया साल आते ही इस मुल्क में लोग अपनी उम्र में एक साल बड़े हो जाते हैं, लेकिन अब सूरत हाल बदलने वाली है और जनूबी कोरियाई बाशिंदे सन 2023 में अपनी मौजूदा उम्र से एक या दो साल छोटे हो जाएंगे, कम से कम सरकारी कागजात की हद तक। तो रवा हफ्ते जनूबी कोरिया की पार्लियामेंट ने कोरिया के उम्र के हवाले से दो रवायती तरीकों को ख़त्म करने के लिए एक कानून मंजूर किया है। ये वो रवायती तरीके हैं जिनके तहत जनूबी कोरिया में उम्र की गिनती की जाती है। जून 2023 से नाम नहाद कोरियन एज सिस्टम की सरकारी दस्तावेज में मजीद इजाज़त नहीं होगी और सिर्फ मियारी बैनुल अक्वामी तौर पर तस्लीम शुदा तरीका बाकी रहेगा। यानी जनूबी कोरियाई बाशिंदों की उम्रों का हिसाब इस तरीके से होगा जैसे किसी भी आम इंसान की उम्र का होता है। जनूबी कोरिया की हुकूमत बाकी दुनिया में उम्र को जांचने के निज़ाम को अपना कर अवाम की परेशानी को कम करने के लिए मुहिम का वादा पूरा कर रही है। फिलहाल कोरिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला हिसाब का तरीका नाम नहाद कोरियन एज सिस्टम है, जिसमें एक शख्स पैदाइश के वक्त एक साल का होता है, फिर हर नए साल के पहले दिन इसकी उम्र एक साल बढ़ जाती है। एक दूसरे तरीके में एक शख्स की उम्र पैदाइश के वक्त सिफर से शुमार की जाती है, मगर नए साल के आगाज पर यानी 1 जनवरी को एक साल का इजाफा किया जाता है। ये तरीका बुनियादी तौर पर शराब और सिगरेट नोशी की कानून उम्र का हिसाब लगाने के लिए है, लेकिन जनूबी कोरिया आलमी सतह पर तस्लीम शुदा निज़ाम का भी इस्तेमाल करता है, जिसमें किसी फर्द की सालगिरह के हिसाब से उम्र का हिसाब लगाया जाता है। पहली सालगिरह पैदाइश के 365 दिन बाद मनाई जाती है। अगर इन तीनों निज़ामों के तहत देखा जाए तो इसका मतलब ये है कि मिसाल के तौर पर 8 दिसंबर 2022 तक 31 दिसंबर 2002 को पैदा होने वाले शख्स की उम्र बैनुल अक्वामी निज़ाम के तहत 19, गिनती के निज़ाम के तहत 20 और कोरियाई निज़ाम के तहत 21 है। हुक्मरान पीपल्स पावर पार्टी के यो सांग हम ने पार्लियामेंट को बताया कि नज़रसानी का मकसद गैर ज़रूरी समाजी इक्तसादी खराजात को कम करना है, क्योंकि उम्र का हिसाब लगाने के मुख्तलिफ तरीकों की वजह से कानूनी और समाजी तनाजात के साथ साथ उलझन भी बरकरार रहती है। तो आज की हमारी ये वीडियो थी जिसमें आपने सुना कि कैसे कोरिया में एक एज सिस्टम कायम है जिससे कोरिया के लोगों को काफ़ी मुश्किल का सामना था, लेकिन 2023 के शुरू में ही तमाम कोरियाई बाशिंदों की उम्र बैनुल अक्वामी सतह के मुताबिक गिनती की जाएगी और उनकी उम्रें एक से लेकर तीन साल तक कम हो जाएंगी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वस्सलाम, मिलते हैं अगली वीडियो में।